समुद्री सूप, जहाजी जलेबी, पायरेट पिज्जा, हर डिश बढ़िया है। हाँ, और ये जहाज भी बढ़िया है। लगता है जैसे अभी अभी ये जहाज समुद्र से उड़कर यहाँ आया हो, है ना? मेरे फेवरेट ये सोने के सिक्के वाले चॉकलेट्स हैं। ये जलवा जहाज का स्पेशल डिजर्ट है। ये तो केक है। इतना डरावना केक भला कौन बनाता है? बच्चों, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। तुम्हें पता है दोस्तों, यहाँ असली खजाना भी छुपा हो सकता है। मैंने पढ़ा है कि ये शिप और पायलट कैप्टन झोल की असली शिप हुआ करती थी। भीम, चलो हम वो खजाना ढूंढें। चलो। यहाँ तो कुछ नहीं है। खजाने वाला संदूक तो नहीं? ध्यान से दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसे खोलना मत। तो खाली है। कैप्टन झोल करेगा झोल झाल, लूटेगा सारा माल। सदियों से बंद था इस संदूक में, आजाद हूँ अब, फिर से लूटूंगा ढेर सारा खजाना। भीम, संदूक में सोना नहीं भूत था, वो भी कैप्टन झोल का भूत। अब होगा चारों तरफ कैप्टन झोल का राज। अभी इस जहाज को समंदर में ले जाता हूँ। सुरेंद्र सर अचानक कहाँ चले गए?
अब मुझको रोक सके। कालिया, तुम भोलू भोलू को बचाओ, हम इन्हें रोक कर रखते हैं। छायाओं को चोट नहीं लगती पर तुम्हें तो लगती है। आज पार्क में हमने बहुत मजे किए, है ना दोस्तों? हाँ, मजेदार खेल, ढेर सारे पकवान, सब कुछ अच्छा था। बहुत नींद आ रही है, अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, सो जाते हैं दोस्तों। Huh?
अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस मैं नीचे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। बस अभी आए। लग नहीं रहा कि तुम जल्दी से नीचे आ पाओगे। कुदरती चीजों से बना हुआ है, ये सब के इस्तेमाल के लिए सेफ है। इस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो सूरज भी नहीं चमकता होगा जितना मेरा चेहरा चमक रहा है। ओह नो, अब हमारा सैंडविच कैसे बनेगा भीम? लगता है पावर फेलियर की वजह से पापा लिफ्ट में अटक गए। मैं अभी आता हूँ। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ भीम, मैं ठीक हूँ। न जाने आज कैसे अचानक पावर फेलियर हो गया। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम सब तैयार हो गए? करता था मैं, और ये पिट्टी इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है, तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटक शाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ए, ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है
इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। ये देखो, इसे कहते हैं फोटो फ्रेंड्स ऐप। यहाँ डाले हुए फोटो सभी लोग देख सकते हैं। मैंने हमारे शहर के पार्क की तस्वीर डाल दी है। ये तस्वीर के नीचे स्टिकर्स क्या हैं? यहाँ सब हंसी के स्टिकर्स हैं। इसका मतलब है सबको हमारी फोटो पसंद है। ऐसे ही तरह तरह के स्टिकर्स हैं, रोने वाले, गुस्से वाले और तो और ढेर सारे चित्र भी हैं। अरे रुको, किसी ने हमारी फोटो पर मैसेज भेजा है। बिल्कुल बेकार, गंदगी से भरा पार्क सबसे अच्छा होता है। हैं? ऐसे कौन बोल रहा है? ये नंबर भी अनजान है। हाँ, रौनक शहर का पार्क सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर है। उसके बारे में कुछ मत कहना। हाँ, गुस्से वाला स्टिकर। जब तक मुझे मैसेज भेजने वाला ना मिले, पूरे शहर में हल्ला मचाओ। जाओ। स्टिकर्स हमारे शहर में आ गए। ये स्टिकर्स लोगों को परेशान कर रहे हैं। चलो दोस्तों। मुझे नहीं लगता ये स्टिकर्स बुरे हैं। एक मजेदार चीजें देखकर हंस रहा है और दूसरा उदास होकर रो रहा है। हाँ राजू, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ये कोई मजेदार या उदास नजारा नहीं देखें, तो ये ना हंसेंगे ना ही रोएंगे। चलो दोस्तों, मेरे पास एक सुझाव है। भीम, तुम्हारा तरीका काम कर गया। हेलो, कौन हो तुम? तुमने सबको परेशान कर दिया है। हेलो, पापा पापा पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पापा नहीं, भीम बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चराकी के फोन पर कॉल करने की? चराकी? चराकी, जब देखो मुसीबत पे मुसीबत लेकर आ जाती हो शहर में। अपने स्टिकर्स को फोन में वापस ले लो। हाँ? लगता है मेरे बेकार के स्टिकर्स ने भीम और शहर के लोगों को परेशान कर दिया है। मजा आएगा। तुम्हारा चेहरा जली हुई रोटी की तरह दिखता है। तुम सबसे प्यारे स्टिकर हो, हम सबको तुम बहुत पसंद हो। ये फोन के छोटे से स्टिकर्स कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब से ध्यान देकर इन स्टिकर्स का इस्तेमाल करना होगा। हमारे चिपकाने वाले स्टिकर्स सबसे बेस्ट हैं।
आज के मक्खन का स्वाद तो एकदम ही बढ़िया है। वो भीम ने कौन सा शब्द सिखाया था? ऑसम। ये मक्खन ऑसम है। भीम और उसके दोस्त क्या कर रहे होंगे? चलो आज ब्रह्मांड की जांच करते वक्त ये भी देख लूंगा। अरे पाप, ये गेम तो बहुत ही ऑसम लग रहा है। जल्दी ही भीम और उसके दोस्तों को मिलने जाना चाहिए। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। भोलू भोलू, तुमने ये करना कैसे सीखा? ये किसी भूत का काम नहीं, ये तो मेरे नटखट दोस्त की शरारत है। सामने आ जाओ कृष्ण। मैं जब भी आता हूँ तुम्हें पता चल जाता है, पर कैसे? ये तो हमारी दोस्ती की ताकत है कृष्ण। और आप है भीम के पापा अभिमन्यु। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कृष्ण। भीम तुम्हारे किस्से सुनाता ही रहता है। ये है, अब कृष्ण भी हमारे साथ खेलेगा। मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट कौन दो लोग जाएंगे? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारा। भाड़ में गए पैराग्लाइडिंग। मैं जमीन पे ही अच्छा था। नहीं उतारो। कुछ नहीं होगा कालिया, यहाँ देखो चिड़िया भी तो उड़ रही हैं। तुम बस लंबी लंबी सांसें लो और मजे करो। अरे नहीं, ये तो कोई दानव लगता है, ये हमें खा जाएगा। ओहो कालिया, डरो मत, ये कोई दानव नहीं, नीले बादल हैं। अरे नहीं, उस दानव ने चिड़िया को जख्मी कर दिया, देखो। लगता है अब मेरी बारी है। ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ, ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो,
इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे तीन महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब रगड़ा छू 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 मत कर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इसके अंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही दो आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। पूरी दुनिया में रहेगा डर का कहर, सांप राज जब आएंगे इस शहर। सांप राज को इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते, तो सोचो भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। भीम, ये एकदम से इतना भयंकर तूफान कहाँ से आया? ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने शेर को क्या हो गया है। दोस्तों वो देखो, उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है। किसके ये मजाक कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे मनुष्य रूप में बुलाया? कौन है वो? मेरे सामने ला, उसे भस्म कर दूंगा। चरखी को हम लेकर आते हैं। सांप राज को बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांप राज को रोकेंगे। सांप राज, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें यहाँ पूरी परी और चरखी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। पूरी परी और चरखी कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। Yeah.
जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया, अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी।